अब बात करते हैं बाइंग हाउस की। बाइंग हाउस क्या होता है? बेसिकली मान लो एक वॉलमार्ट कंपनी है, ठीक है, ठीक है सर। वॉलमार्ट में आपको पता है सुई से लेकर रॉकेट तक दुनिया जहां की चीजें बिकती हैं, क्योंकि वर्ल्ड का बहुत बड़ा रिटेल चेन है, बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है। बिल्कुल जी। अब वो एक एक प्रोडक्ट हर कंट्री से खरीदने वॉलमार्ट तो जाएगा नहीं, अपने टीम हायर करेगा, वो अपने बंदे भेजेगा। अब उनके बंदे भी अगर इंडिया में आ रहे हैं तो उनको क्या पता कि अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्रोडक्ट्स कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही ऑफिसेस इंडिया में डाल देते हैं किसी इंडियन के साथ टाई अप करके। जैसे मान लो विमल आपके साथ टाई अप कर लिया, ठीक है, आपका एक्सपोर्ट हाउस एक तरह से बाइंग हाउस बन गया। आप क्या करोगे, सपोज करो अरविंद के पास आए, वॉलमार्ट ने आपको 250 प्रोडक्ट लिस्ट दी और आपको ये बोल दिया आप ये प्रोडक्ट हम तक डिलीवर करो, बदले में फ्लैट आप 10-20% जो भी आपके बीच डिसाइड हुआ है टोटल वैल्यू पे आप हमसे ले लेना, जिसमें सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, आपको फंडिंग वो दे देंगे, प्रोक्योरमेंट से लेके डिलीवरी करने तक आप एज ए मीडिएटर रोल प्ले करोगे। अब आप मार्केट में उतरोगे वो 250 लिस्ट का पर्चा लेके। अब अगर आप एक एक प्रोडक्ट, मान लो 100 करोड़ का ऑर्डर है, क्योंकि बहुत बड़ी टर्नओवर में डील करते हैं, या थोड़ा कम कर देते हैं, 10 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है, आप एक एक बंदे के पास मार्केट में जाओगे, देखोगे, समझोगे, टाइम कंज्यूम होगा, तो आप बैठे बैठे ही अपने बाइंग हाउस की मार्केटिंग करोगे, जिससे कि सप्लायर्स आप तक पहुंचे। जैसे आप देखते हो ना इंडिया मार्ट में होता है, तो सपोज करो कि मुझे आपका एड्रेस पता चला, मुझे आपकी रिक्वायरमेंट पता चली, मैं आपके पास आया, आपने मुझे कहा कि ये देखो जी ये मेरे प्रोडक्ट्स है, मुझे ये तो चाहिए चाहिए, ये मेरे पास 250 प्रोडक्ट की लिस्ट है, इसमें से आप क्या क्या अवेलेबल करा सकते हो और इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं 250 प्रोडक्ट में से कितने प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करा सकूं। हो सकता है 15-20 प्रोडक्ट तो मैं आपको अवेलेबल करा दूं, मेरे पास ही हो वो, अब बाकी 230 प्रोडक्ट आपको दूसरे सप्लायर्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा। मान लो अरविंद ने 20-30 प्रोडक्ट दे दिए, वर्षा ने दे दिए, और भी लोगों ने दे दिए, तो आपका जो टारगेट है 250 प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने का, जो भी 2-4 महीने में आपको पहुंचाने हैं, तो वो आपने अलग अलग सप्लायर से ले लिया। अब आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में वो सारे प्रोडक्ट आ गए, आपने उसकी अच्छे से पैकेजिंग वगैरह करा के सारा आपने तैयार करके, अपने बाइंग हाउस की बिलिंग करके, यानी अपनी कंपनी की बिलिंग करके वॉलमार्ट तक पहुंचाया। मतलब मैं आपको प्रोडक्ट तो दे रहा हूं लेकिन एक्सपोर्ट आपकी कंपनी से माना जाएगा। उसमें नुकसान क्या है और फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर मैं आपको माल दे रहा हूं, अरविंद या वर्षा भी आपको माल दे रहे हैं, तो आप बल्क क्वांटिटी में हमसे माल खरीद रहे हो, हमें मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाले मार्जिन है वो तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आप कर रहे हो, और जो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स है और जो बेनिफिट है वो भी नहीं मिल रहे, वो आप ले रहे हो। तो एक तो बाइंग हाउस के काम करने का तरीका ये है। दूसरा, कुछ ऐसे बाइंग हाउस भी होते हैं, आप हमें कह रहे हो, अरविंद को कह रहे हो, मुझे कह रहे हो, वर्षा को कह रहे हो, आप सारी पैकेजिंग करके जैसे हमने बताया डिट्टो वो चीजें करके फॉलो करके एक्सपोर्ट आप कर दो, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे एजेंट्स या मेरे टीम मेंबर्स आपके साथ हेल्प करेंगे, बदले में जितने का भी ऑर्डर है या जितनी भी एफओबी वैल्यू आपको मिली है, यानी कि डॉलर्स में पेमेंट मिली है, तो आप हम 10-20% उनसे तो कमीशन ले ही रहे हो, आप हमसे भी कमीशन सेट करके बैठे हो कि भाई अगर मैंने आपको 2 करोड़ का ऑर्डर दिया है, मुझे 3 करोड़ का ऑर्डर आपने अरविंद को दिया है, 5 करोड़ का ऑर्डर आपने वर्षा को दिया है,
सबसे आप अलग अलग कमीशन चार्ज कर रहे हो। मान लो मुझसे अगर 2 करोड़ का लिया है, आपने सीधा बोल दिया भाई मैं आपसे 5% लूंगा, 10 लाख मेरे। अब अगर मुझे 2 करोड़ के माल में 40-50 लाख रुपए बच रहा है एक्सपोर्ट करने पे, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा या 10 लाख रुपए दे दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे तो बैठे बैठे कस्टमर मिल रहा है, मेरा काम हो रहा है और रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, आपको पता है कमीशन के रेट कम होने शुरू हो जाते हैं। आपने अरविंद से 4% कर लिया, अब वर्षा 5 करोड़ का कर रही है, तो आपने कहा मुझे 2% दे देना 5 करोड़ पे। आपने एज ए कमीशन बेसिस पे काम कर लिया, हमारा आपने एक्सपोर्ट करा दिया, हमें बेनिफिट भी मिल गए, आपने यहां से हम तीनों से भी कमीशन ले ली और आपने वॉलमार्ट से भी ले ली। अब वॉलमार्ट 10 करोड़ का माल आपको पता है कम से कम 70-80 करोड़ का बेचेगा, क्योंकि बाहर तो डॉलर्स में बेच रहे हैं उसने। भाई जो सब्जी होती है, आलू प्याज टमाटर, अब किसान जो है बेचारे 1 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो बेचते हैं, और शहर तक आते आते 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो हो जाता है। तो 2 रुपए किलो की चीज 90 रुपए किलो जब डोमेस्टिक में इतना मार्जिन लोग लपेट रहे हैं, तो वो तो फिर भी फॉरेन कंट्री है जहां की परचेजिंग पावर $1 इक्वल टू 7500 रुपीज है ऑलमोस्ट, बिल्कुल गुना वो महंगा बेच सकते हैं। तो 10 करोड़ का माल 75 गुना मल्टीप्लाई कर लो कितने का बेच सकते हैं। तो ये प्रॉपर सारी कैलकुलेशन होती है, तभी कहा जाता है कि एक्सपोर्ट पे मार्जिन है। एक्सपोर्ट पे मार्जिन होने का रीजन ही यही है क्योंकि डॉलर और बाहर की करेंसी हमसे स्ट्रांग है। अगर मैं कहूं $1 इज इक्वल टू 1 रुपी हो गया, एक्सपोर्ट के मार्जिन खत्म है। आपको जब बेनिफिट ही नहीं होगा, जब डोमेस्टिक वाले ही मार्जिन होंगे, तो आप एक्सपोर्ट क्यों करोगे। लेकिन हम सारे जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इंडिया इतना डेवलप हो ही नहीं सकता। इंडिया तो बुक्स में डेवलप हो रहा है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो अमीर और अमीर बन रहा है। जो लोअर क्लास है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कोई भी धंधा पानी कर सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, सैंडविच वो बना हुआ है, इंजीनियरिंग की डिग्रियां, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बन के, वो कहता है यार मैं रेडी लगाऊं, मैं चाय की टपरी लगाऊं या मैं पाव भाजी बेचूं या मैं गोलगप्पे चाट पकौड़ियां बेचूं, तो फंसता हमेशा वही है। सारे बेनिफिट लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं, सारे टैक्सेस मिडिल क्लास को देना है, हां क्लास के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही है। तो ये इस तरीके से बाइंग हाउस काम करता है। तो मैं आपको एक और अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक बार हम भी बाइंग हाउस से डील करने गए थे। तो बाइंग हाउस ने हमें ऐसे ही सेम ये चीज करी थी कि हम किसी प्रोडक्ट के लिए गए थे, बट मार्केट में वो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी। ग्रीन टी के लिए हम डील करने गए थे, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ 2013 की। उस बाइंग हाउस ने हमें यही कहा था कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए और इसी क्वालिटी में चाहिए। अब चाय में क्या होता है कि सीजन के हिसाब से क्वालिटी चेंज होती है। कभी देखो, आपने देखा होगा बारिशें अच्छी पड़ रही हैं तो फूड प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी निकल आती है, कभी सूखा पड़ गया, बारिशें नहीं हुई, तो क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो इस चाय को हमेशा ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंडिंग बोलते हैं। आप जो भी चाय पीते हो ना, मतलब ताजमहल की चाय पी रहे हो, उसमें एक ही क्वालिटी नहीं चलती, उसमें इंजीनियर्स होते हैं जिनको ब्लेंडर्स बोला जाता है। तो वो 40 रुपए वाली चाय भी होती है उसमें, उसमें 100 रुपए वाली भी मिक्स होती है, उसमें 300 रुपए वाली भी मिक्स होती है, और उसमें 500 रुपए वाली भी मिक्स होती है। इन चारों चाय की क्वालिटी को मिक्स करके, ब्लेंड करके बनाया जाता है, फिर पका के टेस्ट किया जाता है कि टेस्ट कैसा आ रहा है, कलर कैसा आ रहा है। तो इंजीनियरिंग है इसके पीछे भी, इसके पीछे भी एक तरह से आप कह सकते हो एल्गोरिथम है। तो फिर वो चेक किया जाता है कि इतने परसेंटेज 40 रुपए वाली डालनी है, इतने परसेंटेज 100 रुपए वाली डालनी है, 300 वाली डालनी है और 500 वाली डालनी है, तब जाके वो एक फ्लेवर बनाते हैं, वो एक टेस्ट बनाते हैं और फिर उसकी मास प्रोडक्शन करते हैं। सेम वही चीज होगी जैसे वाइन टेस्टर होते हैं, अल्कोहल टेस्टर होते हैं, राइट राइट, टी वाले टेस्टर्स हो गए हैं। हाँ,
अब ये भी मार्केट में निकलेगा, ये भी एक प्रोफेशन है, लेकिन वही वाली बात है, ये ऐसे प्रोफेशन लोगों को पता नहीं होते, तो इंजीनियरिंग में ये भी प्रोफेशन है। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आपने एक टेस्ट डेवलप कर दिया और उसकी इंग्रेडिएंट्स आपको पता है कि कितनी क्वांटिटी में डालना है। अब जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई कैफे हो गया, हम कहते हैं ना अरे पास्ता बड़ा अच्छा बनाता है, ठीक है, ये स्पैनिश फूड बहुत अच्छा बनाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स को पता है कि उसने कितने डालने हैं, सीक्रेट उसको पता है। तो सेम इन चाय का, टाटा की आप चाय पी लो, ताजमहल की चाय पी लो, तो ये सारी मिक्सिंग होती है सस्ती से महंगी वाली, वो एक बनाया गया है फॉर्मूला। ऐसे नहीं कि कोई भी हमने चाय खरीद ली, बहुत सारे लोग चाय का काम करने जाते हैं और फेल होके आ जाते हैं। गली हिंगा बेग पुरानी दिल्ली में, गली हिंगा बेग पुरानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, तो पुरानी दिल्ली में ये आपको एक मार्केट मिलेगी जो होलसेल चाय की मार्केट है, ठीक है। वहां पे अलग अलग कट्टों में आपको चाय वाले मिलेंगे, बहुत तगड़े तगड़े होलसेलर मिलेंगे, उनके पास आप बिलीव नहीं करोगे 30 रुपए किलो की भी चाय आती है, सस्ती से सस्ती, घटिया से घटिया, पता नहीं कौन से गांव खूचों में बिकती है रास्तों में, क्योंकि उनको तो ये ना कि भाई 5 रुपए की चाय हमें मिल जाए, हम 10 रुपए वाली अफोर्ड नहीं कर सकते। 10 रुपए का मतलब है आपके हिसाब से 5 रुपए ज्यादा देना, लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो 5 रुपए की चीज 100% यानी डबल रेट पे बिक रही है, तो कोई बंदा क्यों खर्चेगा जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो वहां से लोगों ने क्या करा, चाय लेनी खरीदनी शुरू करी, उन्होंने सोचा कि कट्टे के कट्टे आसाम से ये लोग मंगाते हैं चाय, तो हम लोग यहां से कट्टे उठा के बस अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग करके चाय डाल के बेचना शुरू कर देते हैं। अब अरविंद ने चाय खरीदी या विमल ने चाय खरीदी, उसको लगा यार ये क्या है, ये तो कोई टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं की गई, उसका टेस्ट डेवलप नहीं किया गया। तो ब्लेंडिंग करने पे ही रिजल्ट आएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग वहां पे गए टी के लिए, तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं थी पूरी मार्केट में, जो उनको सैंपल पसंद आया था। हम तो पूरा एक बॉक्स लेके गए थे, अलग अलग तरह की थी, तो उनको एक दो सैंपल पसंद आए, लेकिन उन्होंने ऑर्डर ही हमें 2 करोड़ का दे दिया। अब 2 करोड़ की वैल्यू की क्वांटिटी भी तो चाहिए, वो सेम क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं थी मार्केट में। मैक्सिमम आपकी जो है करीबन 45 लाख तक की वैल्यू तक का मार्केट में अवेलेबल था, जो उनको सैंपल पसंद आया था, लेकिन उनकी कंडीशन ये, नहीं लेंगे तो पूरा लेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको एक लिस्ट देते हैं, अगर इनमें से कोई आप प्रोडक्ट अवेलेबल करा सको, तो उन्होंने हमें कॉस्मेटिक्स की लिस्ट पकड़ा दी, कॉस्मेटिक की। अब कॉस्मेटिक्स के बारे में हमें ABCD भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदे को ये थोड़ी ना कि सब कुछ ही आता होगा। तो उन्होंने कहा ये कॉस्मेटिक की लिस्ट है कि आप ये अवेलेबल करा सकते हो, तो पहले तो लालच आया करे, लेकिन फिर आया यार इसकी तो ABCD भी नहीं पता, कल को ऐसा ना हो कच्चे लालच के चक्कर में लेने के देने पड़ जाए, खराब हो और लेने के देने पड़ जाए। तो फिर हमने मना कर दिया कि हमें कॉस्मेटिक्स का ABCD भी नहीं पता भाई, क्या केमिकल है, क्या इसमें पैकेजिंग में यूज करा गया है, क्या मटेरियल यूज करा गया है, लगनी तो स्किन पे है ना। बहुत सारे आपने ऐसे ब्रांड देखे होंगे कि कोई क्रीम लगाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। कल को हमारा प्रोडक्ट अगर उनके गारंटी पे इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, तो इंटरनेशनल कंट्री वाले तो 1 मिनट ही लगाते सू करने में, बख्शते नहीं है वो। हाँ, वो कहते हैं अच्छा ले बेटा, और उनका फिर इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट में पेनल्टी भी उस हिसाब से होती है, फिर घर बार बेच के भागना पड़ेगा आपको। तो हमने नमस्ते कर दिया कि सर हम नहीं कर सकते, अगर टी में आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम इतनी अवेलेबल करा देते हैं। तो ऐसे भी आपके सामने ऑप्शंस आ सकते हैं फ्यूचर में कि आपके पास डिमांड आ जाए, जेन्युइन बायर आ जाए, लेकिन वैल्यू इतना बड़ा ऑर्डर वो दे दे आप संभाल ना सको, क्योंकि लालच में कभी मत फंसना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं 2-4 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है, हमारी तो लॉटरी एक ही बारी में करोड़ों रुपए अंदर, 4-5 करोड़ की डील कर लेंगे। तो अरे 4-5 करोड़ की डील तो कर लोगे, इतना माल रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, बंदे भी तो होने चाहिए संभालने के लिए। बिल्कुल जी,
मेरा एक स्टूडेंट था, उसका जूते का काम था, तो वो भी ऐसी है ना, टैप में आ गया था कि उसको 2 करोड़ के जूतों का ऑर्डर मिल गया था, पता नहीं कितने ही 1000 पीस थे। पहले तो लालच आ गया, फिर उसने कॉस्टिंग कैलकुलेशन लगाई कि कितनी लेबर चाहिए, कितना टाइम चाहिए, अब मैं इतने सारे डब्बे, पूरी एक बिल्डिंग चाहिए मुझे, इतने 5000 पता नहीं 10000 डब्बों का ऑर्डर था, कहाँ रखूंगा। मुझे ये तो दिख रहा है कि मुझे इस 2 करोड़ के ऑर्डर में 70 लाख रुपए बच रहा है, लेकिन मेरे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो ये भी इशू आता है। तो ये है बेसिकली बाइंग हाउस, जो आप पूछ रहे हैं कि इस तरीके से बाइंग हाउस काम करते हैं। और एक होते हैं बाइंग एजेंट्स। बाइंग एजेंट्स के साथ आप काम कर सकते हो। ये बाइंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये छोटी क्वांटिटी में डील करते हैं, सेम यही काम करेंगे बाइंग हाउस वाला, लेकिन बाहर जो इनके जो क्लाइंट होंगे वो भी छोटे होंगे, जैसे हम लोगों की तरह कि नॉर्मल स्टार्टअप्स हो गए, या फिर एवरेज ऑर्डर देने वाले, सीजनल ऑर्डर देने वाले। तो एक मेरे स्टूडेंट का जूसेस का काम था, उसको मार्केटिंग करके ऐसे कोई मिल गया, तो उन्होंने उसको 15 लाख का ऑर्डर दे दिया, उसने जूसेस बना के दिए, तो उन्होंने आगे 15 लाख के जूसेस आगे अपनी कंट्री में जहां भी उनका टाइप था वहां कितने के बेचे वो उनको पता। तो उसको तो ये लाल था कि सर मेरे को 15 लाख का ऑर्डर आ रहा है, पेमेंट अच्छी मिल रही है, मुझे क्या करना है कि मुझे एक्सपोर्ट के लिए दे रहे नहीं दे रहे, मैं पहले तो ये देखू ना कि पहले मेरी कमाई कहाँ हो रही है। मैंने कोई कसम थोड़ी ना खा रखी कि मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट अपनी कंपनी से ही करना है तभी पैसा कमाना है। पैसा तो कहीं से भी आ जाए, बिजनेस का तो ये रूल है कि आप चाहे इम्पोर्ट करो, चाहे आप एक्सपोर्ट करो, चाहे आपसे कोई डायरेक्ट ले रहा है, चाहे आपसे कोई इनडायरेक्ट ले रहा है। नेट में आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट में दिखना चाहिए कि हाँ मैंने इस बैलेंस शीट में मेरा इतना प्रॉफिट आया। ये नहीं लेगा तो फिर तो हम दूसरी मार्केटिंग तो कर ही नहीं, तो दूसरे एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे। तो हर तरह की मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है। और अब तो वैसे ही घर से एक्सपोर्ट करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बहुत तेजी से पकड़ रहा है। ई कॉमर्स तो वैसे तो हो ही रहा था कि आप Amazon से या Flipkart से इंडिया में सारा कर रहे थे, अब Amazon.com ने तेजी पकड़ ली है, इंटरनेशनल साइट्स में लोग रजिस्टर करा रहे हैं, जैसे कि साइट्स आपको Amazon.com है, Amazon की अलग अलग कंट्री को अगर आप टारगेट करते हो तो Amazon की .canada है, .uae है, .uk है, मतलब आप पर्टिकुलर कंट्री में रजिस्ट्रेशन करा लो, तो घर से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और चार्जेस बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ऑलमोस्ट $39 पर मंथ के चार्जेस होते हैं, 2500 से 3000 रुपए महीने का। अब इंटरनेशनल कंट्री में अपनी लिस्टिंग आपकी हो जाएगी, जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो Amazon में, तो इंटरनेशनल क्लाइंट अगर कनाडा के लोग वो खोलेंगे तो आपको ऑर्डर आएगा, और यहीं से Amazon के लोग घर से पार्सल आपका लेके अपने गोडाउन या वेयरहाउस से आगे शिप कर देंगे। तो कुछ लोग बस इसलिए घबराते हैं कि यार $39 हमें देने पड़ेंगे, $39 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2800 से 3500 बनता है, क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है ना। फिर ऐसा तो है नहीं कि आज आपने लिस्टिंग करी कल ही ऑर्डर आ गया, तो 2 से 3 महीने का टाइम तो मिनिमम देना पड़ेगा ना, तो कम से कम 10 से 15 हजार रुपए आपको इन्वेस्ट तो करने पड़ेंगे ना। फिर आपको वेबसाइट भी चाहिए, फिर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करानी है, तो 20 से 30 हजार का तो खर्चा मान के चलो ना, कोई भी बिजनेस हो। आज की रेट में एक परचून की दुकान खोलनी हो तो आटा दाल चावल बिस्किट शैम्पू ब्रश स्टॉक रखोगे तो 1-2 लाख का तो स्टॉक तो आपको छोटी सी दुकान में ही भर जाता है। तो आने जब आपकी मार्केटिंग वाली क्लासेस आएंगी ना, आपको सारा बताऊंगा कि ये घर से भी आप कैसे कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटीज में, फिर आगे नेक्स्ट स्टेज बल्क की कैसे होगी वो भी सारा बताऊंगा, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अल्टीमेटली इन द एंड में चॉइस आपको दे दूंगा जब ये सारी चीजें खत्म होगी कि मैंने ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की तरफ जाना है या मैंने कंटेनर के कंटेनर भेजने हैं, तो वो आपकी चॉइस होगी, ऑप्शन दोनों अवेलेबल है।
ये सर एक बार हल्का सा मतलब करेंगे स्टार्ट दोबारा से, फॉरेन बैग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी, मैं छोटे से मैं समझ जाऊंगा एक बार। हाँ मैं बता देता हूँ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट है ना 5 साल की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकालती है। जैसे दो बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2015 से 2020 के, उन्होंने पॉलिसी निकाली। चेंज तो ये 2020 में होनी थी, लेकिन वही ये कोरोना आ गया, वही एग्जिस्टिंग पॉलिसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, अभी तक चेंज नहीं किया जा रहा। नहीं तो हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होने से पे चेंज होती थी, 2014 में कांग्रेस की चल रही थी। ठीक है, अब 15 और 20 की पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए। एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन मैक्सिमम सारे ऑनलाइन हो गए, जिससे कि आपको सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने का थोड़ा सा पेन कम हो जाए। तो ऑनलाइन मैंने अभी बताया dgft.gov.in, यहां से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आसानी से ऑनलाइन बन जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसमें ये करा कि अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए, जो हमने कल क्लास करी। जी 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 कल की थी हमने, तो वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, पहले इतने सारे इंसेंटिव नहीं थे। थर्ड, अलग अलग कंट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव निकाल दिए। कंट्रीज की जो मैंने डिटेल्स है मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि एक दो कंट्रीज आपको बताता हूँ, चिली, क्यूबा, पेरू एक्सेट्रा। ऐसी कंट्रीज में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एडिशनल 1% इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे 5% आपको इंसेंटिव जैसे मिलता है एग्रीकल्चर गुड्स पे, अगर आप इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 6% मिलेगा, क्योंकि इन कंट्रीज की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। तो अट्रैक्ट करने के लिए 1% आपको दे रही है। और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टेशनरी गुड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैडलरी, टॉयलेट पेपर, अगरबत्ती, आयरन फर्नीचर, अगर आप इन तरह के प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो +1% और मिल जाएगा। तो अब जहां 5% इंसेंटिव था, अब वो आपका 7% हो जाएगा अगर आप इन कंट्री में गवर्नमेंट के बताए हुए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। जी 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 जी, ये सारे मेजर चेंजेस हुए हैं जो अभी तक 5 साल से 6 साल से चल रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी वो चेंज अभी कर नहीं रहे। अभी तो उनका ध्यान यही है कि इलेक्शन का और कोरोना कंट्रोल करने का, बूस्टर डोज का, वैक्सीनेशन का, तो उनका सारा फोकस यही है कि पहले लोगों को बचाओ। पॉलिसीज तो बदती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। बिल्कुल जी, तो मोटा मोटी ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज आया था। अभी तो इन्होंने आने के बाद तो बहुत ज्यादा जितना भी कस्टम से लोगों ने बने हैं पुराने सबको खत्म कर दिया। विदाउट रजिस्टर्ड, बिना ओके मतलब बिल्कुल सब सेम सेम चीज के ऊपर के बिना कुछ और निकाल नहीं सकते। पहले तो लोग बहुत कमा गए। दिखाया ना, देखो चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आपके एक एक रुपए का रिकॉर्ड आज की डेट में गवर्नमेंट के पास जा रहा है। आधार कार्ड लिंक्ड हो गया, पैन कार्ड लिंक्ड हो गया, तो वो 2 नंबर का रास्ता सारा ही बंद कर दिया उन्होंने। तो अगर मैं कहूं कि सरकारी बाबू ऑफिस में बैठा हुआ है, रिश्वत लेके बैठा हुआ है, पहले यही 500 रुपए का जो लाइसेंस है, आप अगर ऑफिस में सरकारी दफ्तर में बनवाने जाते थे तो बाहर आपको एजेंट मिल जाते थे। आईटीओ में ऑफिस था डीजीएफटी का, मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाहर आपको जैसे एजेंट लाइसेंस बनवाने जाते हो, कहते ना हमसे लाइसेंस बनवा लो 2,000 रुपए 3,000 रुपए, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी वहां पे आपको जो है सारे एजेंट कमीशन वाले बाहर खड़े होते थे। तो वो पूछते थे क्या बनवाने आए हो, जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, अच्छा जी 8,000 रुपए लगेंगे। आप कहोगे पागल हो रहेगा, 250 रुपए का लाइसेंस है, 500 रुपए का लाइसेंस है, मैं 8,000 क्यों दूं। तो वो कहेगा अच्छा जी जाओ बनवा लो, पता चल जाएगा आपको। फिर आप 4 चक्कर जैसे मैंने उस दिन बात करी, धक्के खाओगे रोज का आना जाना, अरे यहाँ साइन नहीं हुए, यहाँ डॉक्यूमेंट रह गए, ये रह गया, वो रह गया। तो बंदा कहता है यार ले यार 8,000 रुपए ले और मेरा लाइसेंस बनवा के दे, मैं नहीं इतने चक्कर काट सकता। बिल्कुल, तो अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब उन्होंने सिंपल फॉर्म कर दिया डीजीएफटी की साइट पे जाके, ऑनलाइन अप्लाई करो, आपका इमीडिएट लाइसेंस आ जाएगा। बस आपने एंट्रीज तो अपनी भरनी है, कंपनी नेम, एड्रेस, वेबसाइट, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, यही बेसिक डिटेल्स तो डालनी है बस आपने, खत्म। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी क्लियर है। आज की कोई सेशन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? वर्षा समझ में आया? तो आज फिर यहीं तक करते हैं, कल सेम टाइम 11 बजे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।